बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरोमेटिक फूड बाय अनमज़िया। आप सबका क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें। चलें जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू विंग्स, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली है ये रेसिपी, तो चलें जी हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी, आज हम बारबेक्यू विंग्स बनाने लगे हैं। उसकी मैरिनेशन के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए, उसमें हमने लिया है, ये हमारा 4 से 5 टेबलस्पून मैदा है, ये हमने हाफ टी स्पून हमारा नमक है, वन टी स्पून हम लोगों ने ये काली मिर्च ली है, एक हमारा अंडा है, साथ में हम ये मैदे के अंदर ना कॉर्नफ्लोर डाल गए 3 टेबल स्पून। ये इसको भी हमने ना मैदे के अंदर मिक्स कर लेना है। ये भी हमारा इसके अंदर ऐसे हमने इसको मिक्स कर लिया। चलेगी, अब हम ये अपनी सारी चीज़ें इसमें डालनी शुरू करते हैं। अंडा चला गया हमारा, अब ये चीज़ें हमने अपनी डाल लेनी है इसमें, और अब हमारा ये चला जाएगा मैदा और कॉर्नफ्लोर, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ना हम इनको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ये ज़रा ज़्यादा ड्राई ड्राई लग रहा है, तो आप ना इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, माशाल्लाह देखिए हमारा मैरिनेट हो गया है, हमने इनको मैरिनेट कर लिया। अब हमने इसको 10 से 15 मिनट के लिए ना छोड़ देना है, इसी तरह हम इसको कवर कर देंगे और इसको ना कुछ देर के लिए, इतनी देर के लिए हमने इसको ना मैरिनेट होने के लिए रख देना है। विंग्स के लिए जो हमने उसकी बारबेक्यू सॉस तैयार करनी है ना, उसके लिए हमने ये 3 से 4 जो है लहसुन के लिए हैं, ये हमारी हाफ टेबल स्पून हमारी ये है दरदरा मिर्च, उसके अलावा हमने ये 2 टेबल स्पून चिली गार्लिक केचप ली है, और ये हमारी बारबेक्यू सॉस है, इसको हमने ना इसके साथ इसको हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इनको हमने इकट्ठा मिक्स कर लेना है दोनों को, ये हमने इसमें मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 1 टेबल स्पून के करीब ये हमारे इसमें सोया सॉस डाल देंगे, ये इसमें चला गया। 1 टेबल स्पून ही हमने ऑयस्टर सॉस डाल लेनी है, ये हम डाल लेंगे इसमें, और सिरका भी हम 1 टेबल स्पून के करीब हम ये डाल लेंगे, सिरका हमारा चला जाएगा इसमें। अब ये सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अपना हमने ये जो उसकी सॉस बनानी है ना, वो हम बनानी शुरू करने लगे हैं, तो उसके लिए हमने जो है ना 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ना ये ऑयल डाल देंगे, हमने ना 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देनी है। हमारी थोड़ी सी ये ऐसे होने लगती है ना, ये जैसे जरा थोड़ी सी ऐसे होती है ना, फिर बाकी हम अपनी ये चीजें इसमें डाल देंगे। लहसुन चला चलेगी, हमारी बाउंड्री की सॉस तैयार हो गई है, ये हमारी रेडी है। चलिए अब हम अपने विंग्स को फ्राई कर लेंगे। अब हम अपने विंग्स पहले फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हमने उनको इसमें ऐड कर लेना है। चलिए अब हम हमारे विंग्स को फ्लेम ऑफ कर देते हैं।
गया। तो विंग्स हमने अपने 15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिए थे ना, वो हम अब इसमें डालना शुरू कर देंगे। हमारी ना एक साइड हो गई है, हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। मैगी की दूसरी साइड को करना है। और आपने फ्लेम का बहुत ध्यान रखना, फ्लेम आपका मीडियम होना चाहिए, मतलब हमने वो अच्छे से कुक करना है। तो वो आपने सीखना फ्लेम का अपना बहुत ध्यान रखना है। तो वो करेंगी और हम आपको पानी की कुछ की मदद से फ्राई होता है, उसकी मदद बन रही है। तो आपने हमें भी फीडबैक, आप हमें आपका फीडबैक दे दिया करें, हमें आपको फीडबैक अगर जो इंतजार रहता है। तो देखिए हम बहुत सारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया। अब हम इनको निकाल लेंगे, हम उन्हें डिसॉल्व कर लेना है। और जो बाकी के हमारे रह गए वो भी हम कर लेते हैं। चले, एक दफ़ा हमारे ये सारे विंग्स फ्राई हो गए हैं। अब हमने ज़रा इनको थोड़ा सा और क्रिस्पी करने के लिए हम इनको डबल फ्राई करेंगे। हम इनको दोबारा ऑयल में डालेंगे, लेकिन वो हमने इनको बहुत थोड़ी सी देर करना है, ज़्यादा नहीं आपने करना, नहीं तो वो बस हल्का हल्का हमने इनको करना है। चले जी, तो हमने अपनी सॉस तैयार की थी ना, ये हमारी हो गई है। हमने तो हमने जो फ्लेम ऑन करके थोड़ा गर्म कर लिए, अब हमारे विंग भी हो गए हैं। अब यहाँ से हम इनको निकाल के ऑयल को सीधा हम इसको सॉस में डाल लेंगे। चलिए, आपने भी को ऐसे एक दफा अच्छी तरह से सॉस में इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना कि जो सॉस है ना उसकी कोटिंग अच्छी तरह सारे विंग्स के ऊपर हो जाए। इस तरीके से अच्छे तरीके से आपने उसको सारा कर लेना मिक्स एक बार अच्छी तरह, फिर हम इसको ना डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारे विंग्स कितने ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़े के, बहुत ही डिलीशियस तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं, बिल्कुल बाहर जैसे बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। तो चलें जी, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप भी हमें बनाएं और हमें बताएं आपके कैसे बने हैं। तो चलें जी, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।